नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत सी साबित हुई है। वो जीत इसलिए नहीं साबित हुई कि हमने ऐसा कुछ कर दिखाया है, बल्कि हमारे विरोधी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वो अपने आप बेनकाब हो गया है और हमारी बात सच साबित हो गई जो हम हमेशा से कहते आए हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशन है उसकी। अभी दोस्तों होता क्या है कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में कोई भी आतंकी घटना कर दी जाती है तो उस घटना को कभी भी पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता है। ऐसे ही दोस्तों कारगिल युद्ध के टाइम भी हुआ था। कारगिल युद्ध की शुरुआत करी थी पाकिस्तान ने, लेकिन उसने कभी भी एडमिट नहीं किया था। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान खुद ब खुद अपने आप बेनकाब हो गया। आइए दोस्तों समझते हैं कि पूरी खबर है क्या। दरअसल दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था ये 1947 में हुआ था, तो उस वक्त दोनों देश अलग हो गए थे। उसके बाद से दोस्तों जब अलग हुए तो दोनों ही देशों के बीच में बहुत ज़्यादा तल्खी थी, क्योंकि जो अलगाव हुआ था वो खुशी से नहीं हुआ था, उसके पीछे बहुत लोगों की शहादत थी, बहुत लोग शहीद हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, बहुत दर्द लोगों को सहना पड़ा था। उसके जब ये हो गया, दो देश बन गए, उसके बाद भी सोचिए कि हमको हर 10-15 साल में युद्ध करना ही पड़ा पाकिस्तान के साथ। तो क्या था कि हमारी यादें उसके साथ अच्छी नहीं रहीं। हमारे साथ कुछ भी, हम एक दूसरे देश के साथ जुड़ कर रहें, खुशी से रहें, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ, ना ही कोई समझौता हुआ। तो हमें कहीं ना कहीं कोई कदम उठाना चाहिए था जिससे कि दो देश आपस में सही से रहते। लेकिन दोस्तों ऐसा कब कुछ हुआ ही नहीं। एक समय आया 1998 का, 1998 प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे भारत में। दोस्तों उस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया भारत की तरफ से, भारत ने सफल परीक्षण कर दिया, भारत न्यूक्लियर पावर देश बन गया। पाकिस्तान कैसे पीछे रहता, पाकिस्तान ने भी किया, उसने भी सफलता हासिल कर ली। अब जब दोनों ही देशों के पास परीक्षण करने पे सफलता हासिल हो गई तो यूएन को लगा कि अब ये दो देश दोनों परमाणु शक्ति हैं, अब ये आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और पूरे विश्व को परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ा देंगे ये। तो उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि आप दोनों लोग शांति का कोई एग्रीमेंट साइन करिए कि आप दोनों आपस में कभी लड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों ये बात अच्छी थी कि हाँ हम नहीं लड़ेंगे, तो दोनों ही देशों ने एग्री किया। इधर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एग्री किया और उधर प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने भी एग्री किया। दोनों लोग वहाँ से चले आए अपने अपने देश। अब दोनों ही देशों ने हाँ तो बोल दिया वहाँ, लेकिन दो महीने हो गए कुछ भी किया नहीं। तो फिर एक दिन दो महीने के बाद नवाज शरीफ जी का फ़ोन आया अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास कि आपने बोला था उस पर कि हम पीस एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उसके बारे में कुछ सोचिए। तो अटल जी का जवाब था कि ठीक है, हम अपने राजनयिक लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं जैसा भी होता है। तो उस पर बात अच्छी थी कि हाँ हम अपना डिस्कशन कर लें फिर बताते हैं। हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोई कार्यक्रम लगा हुआ था अमृतसर में और ये बात नवाज शरीफ जी को पता लगी, तो उन्होंने भारत से प्रधानमंत्री जी से बोला कि आप दर तक आओगे क्या, घर नहीं आओगे, ये बोला जाता है कि ऐसा उन्होंने बोला। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा कि ठीक है, हम अमृतसर से लाहौर, जिसकी दूरी करीब 40 से 45 किलोमीटर की है, वहाँ जाएंगे और पूरी बस लेकर जाएंगे। बस में सारे हमारे राजनयिक होंगे, क्रिकेटर होंगे, फिल्म स्टार होंगे, इस तरह वो सभी लोगों को लेकर गए। उसमें ये समझ लीजिए कि कपिल देव थे, देवानंद थे, जावेद अख्तर थे, इसी तरह तमाम हस्तियाँ थीं और शत्रुघ्न सिन्हा थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, ये सब लोग गए। वहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन, जिसमें ये लिखा था कि दोनों देश आतंकवाद को से दूर रहेंगे,
आप उसके उसको जड़ से ख़त्म करेंगे और शांति बना कर रखेंगे, इस तरह की बातें लिखी हुई थी जो कि बहुत अच्छी थी। और ये सारी चीज़ हो रही थी 21 फरवरी 1999 को, ये सारी चीज़ें करी गई, एग्रीमेंट साइन हो गया। अब वापस आ गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहाँ के पाकिस्तान के जो सेना के जो प्रमुख थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। अब वहाँ पर होता क्या है दोस्तों, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट होती है उसकी नहीं चलती है सेना के आगे, और सेना को चाहिए होते हैं पैसे, और सेना को पैसे कब मिलेंगे, जब आप कहीं युद्ध करेंगे, कुछ उलझा कर रखेंगे अपने देश को, तभी आपकी चलेगी। तो परवेज़ मुशर्रफ को ये मालूम था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब हो गया समझौता, अब युद्ध मतलब किसी तरीके से अब ये दोनों शांत रहेंगे, कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये चाहते थे कि वो जो पीस टॉक हुई है, पीस डील जो हुई है, वो किसी तरह से बर्बाद हो जाए ताकि उनकी आर्मी की रिलेवेंस बनी रहे वहाँ पर। तो उन्होंने मई 1999 में, वही करीब 2.5 महीने बाद कारगिल युद्ध कर दिया, जिसका भारतीय सैनिकों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और तिरंगा वहाँ पर लहरा दिया और अपनी जो हमारी ज़मीन पाकिस्तान ने कब्जाई थी उसको वापस ले ली। तो ये तो दोस्तों हुआ था। और इसके बाद भारत सरकार ने बोला कि पाकिस्तान ने ये हमारे साथ किया है, उसने युद्ध की शुरुआत करी है, लाहौर डिक्लेरेशन को वॉयलेट कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान ने उस वक्त तो डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो अभी अपनी पार्टी को संबोधित कर रहे थे एक मीटिंग में, उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्ट किया कि हमने लाहौर डिक्लेरेशन को वॉयलेट किया था। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया। ये भारत ने एक बार साबित कर दिया कि उसकी बात सही है, और इसके लिए भारत को कुछ नहीं करना पड़ा, वहाँ के प्रधानमंत्री ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है इंटरनेशनल लेवल पर। अब दोस्तों इसका आगे हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब हम इनकी इस बात को कोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, आज वो कुछ भी नहीं है अपने देश में, आज उनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ वो हैं प्रधानमंत्री, लेकिन बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है ये। अब दोस्तों इस पर और भी कुछ डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।